अखरोट खाया। पिताजी मुझे ऐसा लग रहा हरी नियत में खोट है, तब मेरे अखरोट लेकर भागोगे, है ना ये बात? है के कह रहा मारदुलात? ठीक कह रहा बेटे, तू अखरोट खाने के लायक नहीं, तू लात खाने के लायक है। अरे माँ देख ले, पिताजी ने मेरी लात मार दी। के वैद जी के है, अकल खराब है के? मेरे जवान बेटे का लात मार दी, के गलती कर दी इसने? अरे मन्ने तो कुछ भी गलती न करी, मैं तो यहाँ बैठा अखरोट खा रहा था, पिताजी आए आज तू ही मेरे लात मार दी। जैसी लात तुमने मेरे मारी ना, ऐसी तो कदा भी न मारता। पुचकारता? अरे कमबख्त, ये अखरोट मन्ने ले रखे ताकत की दवाई में मिलाने के लिए, तू इन्हें जिम्मन बन रहा, अब बता मैं तुझे लात न मारू और क्या पुचकारू? अरे ताकत तो मुझे बढ़ानी है। ये अखरोट मेरे बेटे से कीमती है के? अगर दो चार खा लिए, कौन सी बिजली टूट पड़ी? बेटे तू खा, मैं देखती हूँ। माँ अखरोट खाने से दिमाग तेज हो, इसलिए तो मैं अखरोट चुरा के खा रहा था। गाना गा रहा था? अरे कमबख्त, मैंने तुझे ग्रेजुएशन इसलिए करवाई, या तो पढ़ लिख के कहीं नौकरी कर ले, और नहीं तो तू बन जा मेरा चेला, चेला बन के मेरे साथ कर वैद का काम, नहीं तो सारे घर तक काट दूंगा। बेटा ठीक ही तो कह रहे तेरे पिताजी, जब अपने पैरों पर खड़ा होगा जब तो तेरा ब्याह होगा, नकारों को कोई ना देता अपनी बेटी। अरे माँ तुझे तो पता, नौकरी के चक्कर में मैंने अपनी तीन चार जोड़ी चप्पल घिस दी, जब भी नौकरी ना मिली, अब मैं पढ़ लिख के पकोड़े बेचने की दुकान तो करने का ना। पकोड़े की बेचेगा? अपने बाप का काम सीख ले, इस काम में बहुत कमाई है। अच्छा चल, जब ये कह रहे तो इनकी बात मान ही लूं। ठीक है माँ, मेरे तुम दोनों की बात समझ में आ गई, अब मैंने फैसला कर लिया, मैं वैद्य बनूंगा। बताओ पिताजी मुझे कद से अपना काम सिखाओगे? के कह रहा बादाम खुआओगे? अरे नालायक तू तो मूंगफली खुआने लायक भी नहीं है, इतने महंगे बादाम तुझे कौन खुआवेगा? अरे हाय मेरे भैरे खसम, तन्ना कर दिया हमारी नाक मदम, कुछ का कुछ सुना है तू? अरे बापू मैंने कह तो दी था चिल्ला बनने को, अब कैसे स्टाम्प पेपर पर लिख के दू? अरे मेरे निकम्मे पूत, तू तो कबीरा बनने को तैयार हो गया? चल बढ़िया है बेटे, मैं आज से तेरी ट्रेनिंग शुरू कर देता हूँ। बेटा तू ऐसा कर, शुक्रताल चला जा और वहां से नीम चढ़ी गिलोय और किक्कर चढ़ी आकाश बेल और जंगली चिरचिरा लिया, मुझे एक मरीज की बहुत खास दवाई बनानी है। ये जो इतनी सारी जड़ी बूटी तुम मेरे से मंगवा रहे हो, ये कहीं आसपास के जंगल में ना मिले या शुक्रताल के जंगल में मिलेगी? हाँ बेटे ये सारी जड़ी बूटी शुक्रताल के जंगल में मिलेगी। ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ। जा बेटा बाइक से चला जा। बाइक से चला जा, 50 किलोमीटर बाइक से जाऊं? अरे यू जो हमारी गाड़ी खड़ी है इसका क्या अचार गिरेगा? मैं तो गाड़ी लेकर जाऊंगा। अरे यू ढक्कन कैसे बैठा? अरे वो ढक्कन, अरे कैसे बैठा बुझा बुझा सा, तेरे मुंह पे कैसे 12:15 से बज रहे? याग हुआ? अरे कैसे चुपका खड़ा, ये बातों की बताता क्यों ना, क्यों परेशान है? भाई आज मैं घना परेशान हूँ, और परेशानी के कारण मेरा बीपी भी ज्यादा बढ़ रहा, और मेरे दिल की धड़कन धड़ 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 धड़क रही। अरे भाई मुझे तो हार्ट अटैक आ सके। ओ तेरे की, तेरी हालत तो बड़ी गंभीर है भाई, जब ही तू इतना परेशान हो रहा मुझे ऐसा लग रहा तेरी चेली ने तुझे धोखा दे दिया दिखे। अरे यार मेरी चेली का मामला ना है यू, मेरी परेशानी तो कुछ और ही है। ऐसी बात है तो तू एक काम कर, तू है ना मेरे पिताजी के द्वारा चला जा, वे तेरी हर परेशानी का इलाज कर देंगे। अच्छा जी वैद्य जी कर देंगे मेरी परेशानी का इलाज? अरे मेरे पिताजी से बड़ा वैद्य तो पूरी यूपी में ना है, तू एक बार उनके धोरे तो जा, वे तेरी सारी परेशानी का इलाज कर देंगे। ठीक है भाई मैं तेरे पिताजी के धोरे ही जा रहा हूँ। हाँ चला जा।
दे दे भैया, भीख दे दे भैया। अरे सारे गांव के भूखे हो क्या, भीख दे दो भैया। 3 हफ्ते से बैठा, कोई भीख दे जाओ। 3 दिन का भूखा बैठा। ओ भाई साहब, ओ बाबूजी पबोई वाले, भीख दे दो, आ जाओ। हैं, बूरे के इलाके में भिखारी, अभी देखता हूँ। अरे भिखारी, मारे गांव के सारे पैसे तू ही लेकर जाएगा, तेरे किस काम आओगे ये पैसे? लाओ रे गुदे, पौवा पीऊंगा। अरे बाबूजी, मेरे गरीब के भिखारी के पैसे क्यों खोस रहे हो तुम? छोड़ो, गरीब के पेट पर लात मार रहे हो, अब भगवान तुम्हें शराब देगा। अब बाबूजी छोड़ दो। अरे ज्यादा टैटे मत करे, तो जानता ना मैं कौन हूँ, मैं हूँ बुरा बदमाश। अरे बदमाश भैया, भिखारी के पैसे ना खोस है, भिखारी की बद्दुआ ना ले, तेरे बालक वीरान हो जाएंगे। इस गांव में कोई भी भिखारी मुझे टैक्स दे बगैर भीख नहीं मांग सकता। अब भिखारी के पैसे लेके रहा तू, जब तू दे नहीं सके, दे मेरे पैसे। अरे मर्डर भी हो जाएंगे पूरे गुदे। क्या तू भिखारी के पैसे क्यों ले रहा, मैं ना दूं एक रुपया भी। अरे यू हराम का बीज भूरा, इस बेचारे भिखारी क्यों परेशान कर रहा? ले पहले इसे देखूं, जड़ी बूटी तो बाद में लूंगा। तेरे हाथ भी तोड़ के अगर ये पैसे छीनने पड़ेंगे तो छीन लूंगा। अबे अरे इस बेचारे क्यों परेशान कर रहा तू, साले अपनी अच्छी हरकतों से बाज ना है। ओए मेरे मामले में टांग मत अड़ा, नहीं तो यही काट दूंगा तुझे। ठीक है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं हूँ बुरा बदमाश, निकट ले यहाँ से। भैया ये मेरे पैसे छीनने जा रहा, और इसके 2-4 रहते झड़ दो तुम। अरे बुरे बदमाश, साले अब लो तो तू लुटिया चुराता फिरता था, अब भिखारी के पैसे भी छीनने लगा, तुझे खुराक देनी पड़ेगी। आज के बाद जो तेरे कोई भी भिखारी सता दे ना, तो साले तेरे गुड्डे झांग दूँ। बुरे बदमाश की गैल, तन्ने पंगा लेकर अच्छा नहीं करा, देख लूंगा तुझे। जावे इससे और खुराक दू, साले तुझे देख लूंगा। चला जा साले, ना तुझे कोल्लू में झोंक दूंगा। देख लूंगा देख। भाई आज से तू पूरे गांव में खूब भीख मांगी, तुझे कोई परेशान ना करे, ठीक है? भगवान थारा भला करे भैया, तम करोड़पति बनावे, दिन दोगुनी रात चौगुनी करे थारी। ठीक है भैया, मेहरबानी आप। ठीक है भाई। साले छोड़ने का नहीं तुझे, बुरा बदमाश हूँ मैं। दवाई उन्नी बवासीर की दवाई होने वाली है तैयार, बस भांग के पत्तों की कमी रहेगी, जैसे ही भांग के पत्ते इसमें डालकर कुट्टे और बस दवाई एकदम तैयार। वैद्य जी, आज दवाई खाने में कोई मरीज ना आके, आज तो अकेला ही बैठा दवाई कूट रहा है। के कह रही लूट रहा? अरे मैं लूट नहीं रहा, मैं तो लोगों का इलाज करके समाज की सेवा कर रहा हूँ। वैद्य जी राम राम। राम राम भाई, राम राम, बैठ, बता के परेशानी है तुझे? अजी मेरा के परेशानी होती, मैं तो एकदम फिट फोर हूँ। के कह रहा चोर हूँ, तू के मेरा इमाम जस्ता चुराना आया, साले ऐसी मरुआ मूसली चला जाए अंत। अजी वैद्य जी मैं चोर ना हूँ, मैं तो मक्खन लाल का छोरा ढक्कन लाल हूँ, और मुझे थारे से एक जरूरी काम करवाना। के कह रहा मुझे गांव में बदनाम करवाना? अरे जकोई, मैंने कौन सा तेरी फुप्पी का गुदगुदी कर दी जो तू मुझे गांव में बदनाम करवाओगा? अरे बहरे, पहले तू अपने कानों के इलाज तो कर ले, बैठगा दवाई खाना खोल के। वैद्य जी मन्ना नु सुना, तुम दारू भी छुड़वा दो। और सही सुना दारू के, मैं तो सुल्फा गांजा इसमें अफीम चरस सब छुड़वा दूं, बता किसका छुड़वाना।
अजी मेरी दारू छुड़वानी है जी। हाँ छुड़वा देंगे भाई, पर फीस के पूरे 2000 रुपए लगेंगे थोक बजा के। ठीक है जी, दे दूंगा पैसे, तुम फटाफट मेरे गैल चलो पुलिस के पास। अरे ढक्कन, तू अपनी दारू छुड़वाने के लिए इन्हें पुलिस के पास क्यों लेके जा रहा? अरे ताई, मेरी 3 पेटी दारू पुलिस ने पकड़ रखी, न वैद्य जी तो छुटवाओगे, इस वजह है ले जा रहा मैं वैद्य जी को पुलिस के पास। रे गधे के बच्चे, मैं वैद्य हूँ या पुलिस का दलाल जो तेरी दारू छुड़वाता फिर साले खुराक मांग रहा दिखे? बहुत दिन हो गए, मार रहे हो वैद्य जी। साले चला जा इनते, नहीं तो बुढ़ा होने की दवाई पिला दूंगा। अरे कोड़ा कोड़ा फिरेगा छड़ी लेगा गाम बकू। चल ना वैद्य जी, ऐसा काम ना करिए, तो मैं तो जा रहा हूँ। देख ले अंगूरी, कैसे कैसे आदमी आवे, साले मेरा खून जलाने यहाँ से, प्यास भी लगी है मुझे। तू ऐसा कर, थोड़ी देर तू दवाई कूट, मैं पानी पी का आया अभी। इस बहरे ने मेरा खून पी रखा, घर का काम भी करूं और दवाई भी कुटूं। पता ना कद पीछे छूटेगा इस बुड्ढे से। यार इतना बड़ा जंगल है, कहाँ ढूंढू जड़ी बूटी? चल देखो। हाँ यहाँ जरूर कोई ना कोई जड़ी बूटी जरूर मिलेगी। ले भाई दीपक, एक जड़ी बूटी तो मिल गई। ठीक है अब दूसरी ढूंढू। यार यू आकाश बेल कौन से पेट में मिलेगी? आखिरकार तुम आई गए मेरे पास नागेश। यार यू जंगल में लड़की की आवाज कैसे? यहाँ तो कोई है भी ना। कदी मेरा बहमो, इतने घने जंगल में बह हो ही जा। दीपक मेरे प्रियतम, तुम इतने हैरान क्यों? मैं तुम्हें ही तो पुकार रही हूँ, मेरे पास आओ। अरे तू है कौन, कहाँ लुकी बैठी है? मेरी क्या लुका छुपकी का खेल मत खेल, सामने आके बात कर। मैं तुम्हारे सामने तभी आ पाऊंगी जब तुम इस सामने वाले पेड़ को एक बार छुओगे। आ जाओ छुओ इस पेड़ को। तू और तुझे मेरा नाम कैसे पता है, और तू मुझे पुकार क्यों रही थी?
तो वही हो मेरे जन्म जन्मांतर के साथी नागेश। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, इसलिए ही तो मैं तुम्हें पुकार रही थी। अरे तन्ने सुल्फा पीरा काके, मैं कोई नागेश वागेश ना हूँ, मैं तो दीपक हूँ। दीपक तो तुम इस जन्म में हो, पूर्व जन्म में तुम मेरे पति नागराज थे। आज बरसों बाद संयोग से हम मिले हैं, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे तू बावली होगी के, जब तो ऐसी उठपटांग बात कर रही है, होश की बात कर ले होश की। मैं पूरे होश में ही बात कर रही हूँ नागेश, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और पूर्व जन्म में तुम भी एक इच्छाधारी नाग थे। एक महात्मा के श्राप के कारण तुम्हारी अकाल मृत्यु हो गई थी और मैं इस पेड़ में कैद थी। आज कुदरत ने हमें फिर से मिलाया है। अरे तन्ने तो मुझे नगीना फिल्म की स्टोरी सुना दी, तू मुझे बेखूब मान रही है के, जो मैं तेरी इस नाग नागिन की बात पे विश्वास करूँ। जा अपना काम कर ले, मुझे अपना करन दे। दीपक तुम इस जन्म में जरूर इंसान बनकर पैदा हो गए हो, लेकिन तुम पूर्व जन्म में इच्छाधारी नाग ही थे और मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। इच्छाधारी नागिन, जो तू इच्छाधारी नागिन है, तू नागिन बन के दिखा। ठीक है, मैं तुम्हें नागिन बन के दिखाती हूँ। साले भागले दीपक, जान बचानी है तो ते भगवान आजाद बचा ले बस तू, हे न्याने का सुख करता ले। भाई चोट तो लगी भाई, तने दारू पी रखी है के, या सड़क का बिना मैं करवा रखा। अरे सड़क पर देख, बाढ़ का गाड़ी ना चलाई जाती तेरे पे, या बिल्कुल अंधा हो रहा। अरे भाई मैं किसी टेंशन में था, इसलिए मेरी गाड़ी लहरा रही थी, इस मारे तुम हड़बड़ा के गिर गए। भाई मैंने तुम्हें जान के नहीं घेरा, मारे हाथ पैर टूट जाते तो क्या होता। अरे इतना छोमे क्यों आ रहा मेरे भाई, मेरे हाथ पैर टूटते तो ना। अच्छा एक तो गलती कर रहा, ऊपर से हीरोपंती और दिखा रहा, लगता तेरी अखट निकालनी पड़ती दिखे। नागिन ने तो आज टाइम पे आ गए, मेरी जान बचा ली, ना तो आज मेरे हाथ तो वे कुटते या उनके हाथ तो मैं कुटता। वैसे गलती तो थी ना बेचारों की, बाइक और छोड़ के बेचारे अपनी हैं। अरे कहाँ गई नागिन, चलो अच्छा हुआ उन नागिन भी मेरा पीछा छोड़ के चली गई। चलो जल्दी से यहाँ से निकल लूँ, इसी में मेरी भलाई है। यार मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आज मैंने इच्छाधारी नागिन अपनी आंखों से देख ली। लाख लाख शुक्र है,
जो आज मैं बच गया ना तो पता नहीं नागिन मेरी गैल ये कर करती। मैंने तेरा की बिगाड़ा नागिन, जो तू मेरे पीछे पड़ गई है। 30 बरस की जुदाई सहने के बाद आज तुम मुझे मिले हो नागेश, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी तो किसके पीछे पड़ूंगी। मेरा तेरी गल कुछ भी लेना देना नहीं है, तू भगवान के लिए मेरी गाड़ी से उतर और जा मेरा पीछा छोड़ के। देखो इस जन्म में तुमने मानव योनि में जन्म लिया है, इसलिए ना तो तुम मुझे पहचान रहे हो और ना ही तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कोई बात याद है। पूर्व जन्म में हम दोनों पति पत्नी ही थे, मैं तुम्हारी नागिन और तुम मेरे नाग थे। मेरा नाम नागेश्वरी और तुम्हारा नाम नागेश्वर था, लेकिन तुम मुझे प्यार से नाग मोहिनी कहकर बुलाते थे। हम दोनों सुक्कर ताल के इसी जंगल में अपना जीवन हंसी खुशी जीते थे, लेकिन एक दिन तुमने भूल से एक महात्मा को डस लिया था और उस महात्मा ने क्रोधित होकर मुझे पेड़ में कैद कर दिया था और उस महात्मा ने तुम्हें अकाल मृत्यु का श्राप दिया था, जिसके कारण तुम्हारी मृत्यु हो गई थी और फिर तुमने मानव रूप में जन्म लिया। आज संयोगवन तुम इस जंगल में आए हो और मैंने तुम्हें देखकर पुकारा। मेरे कहने पर जैसे ही तुमने पेड़ को छुआ, मैं महात्मा के श्राप से मुक्ति पाकर इस पेड़ से आजाद हो गई। नागेश अब बताओ तुम्हें कुछ याद आया? तेरी ये सारी बात मेरे सिर के ऊपर उतर रही है, ना तो मुझे कुछ याद आया ना मुझे कुछ समझ आया। मैं तुम्हें पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए दूसरा तरीका आजमाती हूँ। स्वामी, क्या तुम्हें ये अपनी नागमणि भी याद नहीं है? यू मेरी नागमणि? हाँ स्वामी, ये तुम्हारी ही नागमणि है। पूर्व जन्म में जब तुम इच्छाधारी नाग थे, तब नाग देवता की कृपा से तुमने नागमणि धारण की हुई थी। आपकी तो अकाल मृत्यु हो गई थी और आपकी ये नागमणि मेरे पास अमानत के रूप में रह गई थी। स्वामी, ये नागमणि आप अपने मुंह में रख लो, ये आपको आपका अतीत याद दिला देगी। अच्छा,
जीवन में आए। ऐसी घड़ियां ना जीवन में आए, जीना और मरना हमारा संग में हो, चाहे कयामत भी आ जाए, चाहे कयामत भी आ जाए। सांसों में मेरी तुम ही गई हो समा, सांसों में मेरी तुम ही गई हो समा। जब हम दोनों नाग नागिन थे, जब हम पति पत्नी थे, लेकिन अब तू नागिन है और मैं इंसान। बता तेरा मेरा के मेल। दुनिया की कोई अड़चन, कोई शक्ति हमारे मिलन को नहीं रोक सकती। मैं तुम्हें पाने के लिए दुनिया से लड़ जाऊंगी। अरे भाई दीपक, किन ख्यालों में खो रहा तू? अरे भाई, तू मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो रहा? अरे भाई, कौन है तू? तू तो बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा दिख रहा। मैं तेरी अंतरात्मा हूँ, इसलिए हूबहू मैं तेरी तरह दिख रहा हूँ। अच्छा, तो यू बात है। तो बता भाई, क्या कहना चाह रहा है तू? मैं तुझसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। जब तू नाग मोहिनी का पूर्ण जन्म का पति है, तो तू इससे दूर भागना क्यों चाह रहा है? तेरी बात ठीक है, पर इसकी गैल मेरा मिलन तो ना हो पावेगा। यू इच्छाधारी नागिन है और मैं एक इंसान हूँ, बता कैसा होगा हमारा मिलन? तू भी तो पूर्ण जन्म में इच्छाधारी नाग था, इसलिए इस जन्म में तुम दोनों का मिलन होना संभव है। वो कैसे? प्यार की असीम शक्ति प्रकृति के नियम को भी बदल सकती है। समय आने पर सब कुछ अपना आप हो जाएगा। बस तू अपनी इस नागिन से मुंह मत मोड़ना। मैं तो धर्म संकट में फंस गया यार, मैं के करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में ना रहा। ज्यादा मत सोच, तू इस नाग मोहिनी के साथ शादी कर ले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नाग मोहिनी तेरी मदद भी करेगी और तुझसे सच्चा प्यार भी करेगी, ठीक है? नाग मोहिनी, मुझे तेरे प्यार का एहसास हो गया है। जन्म जन्मांतर के हमारे रिश्ते को मैंने पहचान लिया है। लेकिन यार, लेकिन क्या नागेश?
अरे यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक नागिन का और इंसान का मिलन कैसे हो सके? यूं तो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। चल मान ले तेरा मेरा ब्याह हो गया, मेरे माँ बाप या हम इंसानों का समाज इस बेमेल रिश्ते को कैसे स्वीकार कर लेगा? चल तू ही बता। मैं कुछ नहीं जानती नागेश, मैं बस इतना जानती हूँ तुम मेरे पति थे और हमेशा मेरे पति रहोगे। तुम किसी की परवाह क्यों करते हो? तुम सिर्फ मेरी परवाह करो। अरे यार तू मेरी बात क्यों ना समझ रही, मैं तेरी गैल ब्याह नहीं कर सकता। तेरा मेरा जो 7 जन्मों का प्यार है ना, उसे हमारे बीच में रहने दे। तू इस जंगल में रह, मैं तेरे से 2-3 दिन में मिलने आता रहूंगा। तू उदास मत हो मेरी जान, मैं हफ्ते में 2-3 बार तेरे से मिलने आता रहूंगा। अरे यू महात्मा सा कौन है, मुझे बुला रहे? आओ मेरे पास आओ, बस मेरे पास आओ। नागराज नागेश, अपनी जीवन संगनी को छोड़कर कहां भाग रहे हो? आप कौन है महाराज? मेरे और उस नागिन के बारे में आप कैसे जानते हैं? मैं एक त्रिकालदर्शी महात्मा, मैंने ही तुम्हें अकाल मृत्यु का श्राप दिया था, और मेरे ही श्राप के कारण तुम्हारी नागिन पेड़ के तने में कैद हुई थी। महात्मा जी मुझे पता है नाग मोहिनी मेरी पूर्व जन्म की पत्नी है, पर मैं तो इस जन्म में एक इंसान हूँ और वो इच्छाधारी नागिन। तो फिर आप ही बताओ उसका मेरा मेल कैसे होगा और मेरे माँ बाप उसे अपने बहू के रूप में कैसे स्वीकार कर लेंगे? नाग मोहिनी एक इच्छाधारी नागिन है, ये केवल तुम ही तो जानते हो, तुम्हारे माता पिता तो नहीं जानते। फिर उन्हें नाग मोहिनी को अपनी बहू स्वीकार करने में क्यों आपत्ति होगी? ये बात तो आप ठीक कह रहे हो महाराज, पर आप मुझे यूं बताओ आप हम दोनों के मिलन पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? नागेश मैं ही तुम दोनों के वियोग का कारण बना था, और मैं ही अब तुम दोनों के पुनर्मिलन का कारण भी बनना चाहता हूँ। मेरी इच्छा अनुसार अगर तुम मानवीय तरीके से अपना पुनर्विवाह कर लोगे तो सदा सुखी रहोगे। नाग मोहिनी एक बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति की नागिन है नागेश, वो हमेशा तुम्हारा भला चाहेगी और सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी, इसलिए मेरी बात मानो, नाग मोहिनी को अपना लो नागेश, अपना लो। मैं तो तुझे वहाँ पीछे छोड़ आया था, तू यहाँ गड्डी मार के कैसे बैठ गई? मेरी शक्ति असीम है मेरे स्वामी, मैं अपनी शक्तियों से कहीं भी आ जा सकती हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। अरे यार तुझे ऐसे कैसे घर ले जाऊं? तुझे घर ले जाने के लिए तो मुझे तेरी मांग भरनी पड़ेगी। क्या तुम सच कह रहे हो नागेश?
तुम मेरी सच में मांग भरोगे? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, हम पहले किसी मंदिर में जाके शादी करेंगे फिर घर चलेंगे। पर यार मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरे मन में एक डर सा बैठा हुआ है। कैसा डर नागेश? यार तू इच्छाधारी नागिन है, इस बात का मुझे पता है। मेरे माँ बाप को तो ना पता, जो उन्होंने किसी दिन तुझे नागिन के रूप में देख लिया तो उन्हें तो हार्ट अटैक आ जाओगा, फिर क्या होगा बता। तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो स्वामी, मैं पूरी सावधानी बरतूंगी। मैं उनके सामने अपना नागिन रूप कभी धारण नहीं करूंगी, तो फिर उनको इस बात का कैसे पता चलेगा? अच्छा ऐसी बात है, बैठ तो गाड़ी में, ढूंढे कोई मंदिर। रुको नागेश। क्यों हो गया? मैं नागिन के भेष में शादी नहीं कर सकती। तो अब कैसे करें? मैं अपनी शक्तियों से भेष बदल लेती हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे यार तू तो बहुत सुंदर लग रही है, आ चल। अरे वो सेल्फी बॉय, निमट की तेरी सेल्फी, ये और सेल्फी ले होगा। अरे तुझे क्या दिक्कत हो रही? मोबाइल मेरा, सेल्फी मैं ले रहा, तू क्यों बिना बात के किलस रहा? अच्छा तो ये गाड़ी भी तेरी होगी। हाँ और क्या, नहीं मेरे पिताजी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी। फिर तो गाड़ी की चाबी भी होगी तेरे धोरे। हाँ और जब कार है मेरे धोरे तो चाबी ना होगी। लालीगार चाबी इस गाड़ी की। अरे यू तो ना चाबी, तेरा सुसा दूसरों की गाड़ी पे सेल्फी ले रहा और गाड़ी भी अपनी बता रहा। जा चला जा, ऐसे ऐसे मिले, चल बैठ। मको के पेड़ दिखाई नहीं दिए, कहाँ गई सारी मको आज? अच्छा यहाँ छुपी बैठी है सबसे बढ़िया नस्ल की मको। छुपले बेटे छुपले, पर वैद्य गलूर सिंह की नजर से छुप नहीं पाएगी। तो मैं सारे कुखाड़ के और ले जाऊंगा अपने दवाखाने में, थारी बनाऊंगा दवाई बहुत बढ़िया। अरे वैद्य जी, जड़ी बूटी ढूंढ रहे हो के? मारी कर दे समस्या का इलाज। ठीक है यार, नुकसान कर दू ना भाई पटवारी, मैं किसी का नुकसान नहीं करता, मैं तो लोगों का इलाज करके सबका फायदा करूं। अरे वैद्य जी मैं इलाज की तो कह रहा, तू मुझे कोई ऐसा नुस्खा दे जिसे मैं खा के मोटा हो जाऊं, मैं जल्दी मोटा होना चाह रहा हूं। अच्छा तू भी लोटा होना चाह रहा? अरे भी लोटा नहीं वैद्य जी, मोटा 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 होना चाह रहा हूं।
अच्छा अच्छा, तू मोटा होना चाहे तो मेरे दवा खाने पा जाइए, मैं तुझे ऐसा नुस्खा बना के दूंगा, एक महीने में ऐसा हो जाओगा तू मोटा हत्ती सा। अरे महीना तो ज्यादा है वैद्य जी, तू मुझे कोई जल्दी मोटा होने का जुगाड़ दे। हैं, झोटा बाड़ दे? अरे बेवकूफ, अगर मैं किसी के खेत में झोटा बाड़ूंगा तो मेरा भूसना भर देगा। अरे वैद्य जी, मैं झोटा बाड़ने की ना कह रहा, मैं जल्दी मोटा होना चाह रहा। अच्छा, बहुत जल्दी मोटा होना चाह रहा तू, एक हफ्ते में मोटा कर दूं? ना वैद्य जी, एक हफ्ता भी ज्यादा हो जाएगा, तब मुझे एक दिन में मोटा कर दो। अच्छा अच्छा, तू एक दिन में ही मोटा होना चाह, तो ले बेटे उसका भी फार्मूला सुनो। ऐसा कर, माल की मक्की के छत्ते के धोरे जा और एक मोटा सा डाला ठाके और उसके मार दिए, और फिर देख तू एक दिन के है एक मिनट में मोटा हो जा पावागा। अरे जा वैद्य जी, तुम तो मेरी गल मजाक कर रहे हो। अरे मेरी सुसरे भुंडी शकल के, मैं मजाक कर रहा हूँ और तू क्या कर रहा मेरे साथ? मैं बनाऊंगा तुझा मोटा, मैं करूंगा तुझा मोटा, तेरे मुंह का फूक भर का मोटा करूंगा तुझा। ए मुझे ना होना मोटा। मेरे सुसरे इतने महान वैद्य की गैल मजाक करे हैं? बलूर सिंह नाम है मेरा, शर्म नहीं आती मजाक करते हुए? बताओ कितनी इज्जत है मेरी दुनिया में, सब मेरा सम्मान करें। अरे माँ, देखियो मैं किसे लिया। बेटा कौन है यो, किसकी बहू है यो? सारी बात बताऊंगा माँ, पहले तो नू बता ये तुझे अच्छी लगी है ना। छोरी तो सुंदर है, पर यू तो बता यू है कौन? बेटे दीपक, तुझे तो मैंने शुक्रताल भेजा था दवाई लाने के लिए, फिर ले आया तू, और ये कौन है? पिताजी यू है नैना मोहिनी, यू है थारी बहू, हमने मंदिर में शादी कर ली। पूरी यो तेरा पूत के कह रहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा लौंडा इस छोरी ने ब्याह लाया, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या विचार है? या छोरी बीमार है? ये बीमारी इसके, वो तो मैं इसकी नब्ज देखते ही बता दूंगा। पिताजी बीमार ना है, यू थारी बहू है, यू मुझे शुक्रताल में मिली थी, मुझे इससे प्यार हो गया, फिर हमने ब्याह कर लिया। अच्छा जी, अरे वाह बिट्टे वाह, ये तो तेना बहुत बढ़िया काम कर दिया, मेरे तो लाखों रुपए बचा दिए और इतनी सोनी बहू भी ला दी, और तो फिर तुम दोनों महारा आशीर्वाद तो लो, खुश रहो। बहू, दीपक ने तेरे से अचानक शादी करी, देखे बढ़िया तो यो करानी, पर नू है कि जब दीपक को तो पसंद है तो हमें भी पसंद है, खुश रहो। आप दोनों मुझे हमेशा अपने चरणों में स्थान देना, मैं आप दोनों की हमेशा सेवा करूंगी और आप दोनों का हमेशा सम्मान करूंगी। नैना मोहिनी, जो तू हमेशा माँ और पिताजी की सेवा करेगी ना, तो ये तुझे पलकों पर बैठा कर रखेंगे। आ चल तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। अंगूरी, क्या मेरा छोरा बहू कितनी सोनी लाया, तेरे से भी सोनी है। चल मार दिया, मैं तो अपनी दवाई बनाऊं चल के, तू तो लुही करा है मेरी गैर। अब तो तू खुश है मेरी इच्छा दाई नागिन? हाँ नागेश, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, आज बरसों की जुदाई के बाद हमारा मिलन जो हुआ है। अरे मिलन अभी हुआ कहाँ है, मिलन तो अभी अधूरा है, मिलन तो अब पूरा होगा। आजा मेरी जान।
अरे यार आज हमारी स्वागरात है, तू मेरे से इतनी दूर क्यों लौटी है? आजा मेरे धोरा आजा। क्या कर रहे हो? मेरी इच्छा दारी नागिन, तू तो इस रूप में भी बहुत प्यारी लग रही है। जी जल्दी चलो, दीपक के कमरे में सांप घुस गया। के क्या साग घुस गया? अरे रात को फ्रिज में नहीं धरा था के? अरे बहरे बट, मैं साग की ना कह रही, सांप की कह रही हूँ। दीपक के कमरे में सांप है। के कह रही? दीपक का एक और बाप है। अरे मेरी अंगूरी, मैं तो तुझे समझू था गाय भूरी, पर तू तो बेवफा निकली पूरी। अरे बहरे, जो मैं कह रही उसे तो तू सुन नहीं रहा। मैं कह रही दीपक के कमरे में सांप है, जाकर उसे मार दे। के कह रही दीपक के कमरे में सांप है? अरे यह बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इमलो तो मैं उसे मार भी देता। और जल्दी चल, नहीं तो कभी वो मेरे बहु बेटे को डस ले। कहाँ है बता, कहाँ है सांप? कहाँ था? नहीं तो बेड पे इतना क्या के नीचे घुस गया होगा। नहीं, अरे दीपक, दीपक, अबे टा उठ ले, उठ ले, तेरी माँ ने यहाँ से सांप देख, क्या उठ क्या करके ढूंढवाई है? अरे तेरी यार, ऐसा ना हो नाग मोहिनी नागिन बन गई हो। अरे बेटे तू हट जानते है, यही है वो तकिया के तले बढ़ रहा होगा। नाना पिताजी, तकिया के नीचे ना कुछ भी, माँ को गलत फहमी होगी होगी। अरे मुझे गलत फहमी क्यों होती, मैंने सच में देखा सांप, ढूंढवाता क्यों नहीं खड़ा होके? जा तू परे को। अरे बापू, जब मैं कह रहा यहाँ कुछ भी ना है। अरे तू एकदम को हटा, मैं आप देख लूंगा। यही होगा साला, यही होगा साला। अरे बापू, कर दिया नाश। जब मैं कहता यहाँ कुछ भी ना है, देख लिया? अरे वो जहरीला सांप है, यही कहीं लुक रहा होगा, मैं उसे छोड़ दूंगी, मार का छोड़ दूंगा। अरे बापू, ओ बापू, जब मैं नुक रहा हूँ यहाँ कुछ भी ना जाता, क्यों ना पड़ेगू? सासू माँ, क्या हुआ? आप लोग यहाँ, आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अरे बहू, यहाँ सांप था, अब ढूंढ रहे हैं तो मिल नहीं रहा। अरे माँ, उस सांप यहाँ बसने कोई आया था, अगर आ भी गया होगा तो चला गया होगा, अगर यहाँ होता तो मिल ना जाता। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा, चला गया होगा, फिर भी तुम दोनों चौकस रही हो। हाँ ठीक है, हम चौकस रहेंगे, अब तुम जाओ यहाँ से। वैद्य जी, सांप तो चला गया, चलो हम भी दोनों चल के चाय पीवेंगे। के कह रही हम दोनों कम जीवेंगे? अरे बावली, क्यों सुबह सुबह मनुष्य वाणी बोल रही? मैं देसी वैद्य हूँ, ऐसा काढ़ा बनाऊंगा लंबी जिंदगी करने का, तुझे भी पियाऊंगा और मैं भी पीऊंगा, और हम ना 100 साल तक पहले हिलने वाले। बहरे, पहले कान ठीक करने का काढ़ा बना ले, बाद में उम्र बढ़ाने वाला बना लिए, चल यहाँ से। अरे यार, जिस बात का डर था वही काम हो गया, माँ ने तुझे तेरे असली रूप में देख लिया, इसलिए हंगामा खड़ा होगा। वो तो सुकरमान बात आई गई होगी, ना तो तेरा भांडा फूटता तो मेरा बाप मुझे चोड़े में कूटता। हाँ नागेश, आज ही मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं ऐसी नौबत कभी नहीं आने दूंगी।
गुरुदेव सांस ले लें दे, गुरुदेव रुक जाओ। अरे कैसा मर गया? गुरुदेव पैदल चलतो चलतो मेरी फूंक सरक गई, मेरे तो गोड्डे भी जाम हो गए गुरुदेव। बस थोड़ी सी दूर और चल चल ले, जोन सा भी गांव आओगा, हम अपना डेरा वहीं जमा लेंगे। गुरुदेव मैं ना उठूं बिल्कुल भी, मेरी तो बैटरी डाउन होगी, मैं तो अब क्रेन ते भी ना उठूं। जो तुम मुझे अब ले जाना चाहो तो तुम मुझे अपनी पोती बैठा लो या ई रिक्शा मंगा लो। अरे दुष्ट कैसा चिल्ला तू, जो अपने गुरु का कहा नहीं मान रहा, चल खड़ा हो जा नहीं तो शराब दे के नेवला बना दूंगा। चाहे मेरा नेवला बनाओ चाहे मेरा कैचुआ बनाओ, मैं बिल्कुल नहीं उठूं। अरे उठ जा मेरे लाल, नहीं तो तेरी तार दूंगा खाल। अरे घनी एक्टिंग ना करे, चुपचाप मेरे पीछे पीछे हो ले आ। चलो गुरुदेव। बेटे कल्लू सपेरे, अंडे धर दिए उल्लू ने दिमाग में तेरे, तभी तो तू अपना पान बीड़ी का खोखा छोड़ के इस बाबा का चेला बन गया। साले अब सूत ले डोके, अब चल इस बाबा के पीछे घिसड़ घिसड़ के। मेरे चेले, यदि तुझे मेरे जैसा शक्तिशाली महान सपेरा बनना है तो मेरे जैसी कठिन साधना करनी भी सीख, तो चल अब खड़ा हो जा। अब तू एक बात बता, यू कौन से जानवर की चाल थी? अजी गुरुजी, यू कछुआ चाल थी। अरे गधे, इंसानों की चाल चल ले, और नहीं तुझे अपनी शक्ति से ततैया बना दूंगा। ना गुरुदेव ना, मुझे ततैया ना बनाई हो, मैं थारी गैल चल रहा हूँ। चल चेले, मुझे इस स्थान से पवित्र शक्तियों की खुशबू आ रही है, मैं अपनी साधना यहीं पर करूंगा। अरे महाराज इस बाग में नगड़ा है थारी दाल, अपना ठिया कहीं और ही जमाइयो। अरे ओ बेपूछ के लंगूर, तेरे घेंट में दे दूंगा खट्टे वाले अंगूर, तू इतने महान सपेरे को अपने बाग में डेरा डालने को मना कर रहा, दुष्ट। अगर मेरे गुरुदेव को क्रोध आ गया ना तो तुझे अपनी शक्ति से कोई सा जिनावर बना देंगे, फिर जिंदगी भर रेंगता फिरिए। अरे ऐसे जिनावर बनाने वाले गुरु 365 फिरे और रोज देखू ही ना मैं। गुरुदेव यू खगड़ नूना मानने का, तमी से अपनी शक्ति से मेंढक बना दो जो यू टर टर करता फिरे, फिर इसकी अगल ठिकाना आवेगी। अरे चेले यू मेंढक नहीं, यू दुष्ट तो मकोड़ा बनने लायक है, इसे अभी मकोड़ा बना देता हूँ। अंतर मंतर जादू चलंतर छू छू छू। अरे बाबा मुझे माफ कर दे, मुझे मकोड़ा ना बनाइए, मेरे बाग में जिब लोग का तुझे डेरा गेरना गेर लिए और मैं तो अपने घरों जाकर रह लूंगा गांव में। अरे चेले, भोले बाबा ने हमारे डेरे का इंतजाम तो करा दिया, अब मैं यहीं पर साधना करूंगा। गुरुदेव आप तो यहाँ साधना करेंगे, मैं क्या यहाँ भुट्टे भुनूंगा? अरे मूर्ख, तू गांव में जा और हमारे खाने पीने की व्यवस्था कर। जैसी आज्ञा गुरुदेव, लो यू नकली बीन तो तुम पकड़ो, यू बीन मुझे दो, इसे भी काल लो वजन ज्यादा हो रहा। अर्जी यू चिमटा भी पकड़ो, मैं जा रहा हूँ इंतजाम करने गुरुदेव। यू गुरु घंटाल का काम चोखा, अपने आप पोते बैठ जा साधना करन, मुझे भेद दे खान पीन का जुगाड़ करन, लोग बाग मुझे सपेरा कम।
भिखारी ज्यादा समझे। आजकल तो सुसरे लोग बाग भी घने हरामी हो रहे, मांगने वाले को ऐसा हड़काम है जैसा ठेली वाले को पुलिस वाले हड़काम है। मतलब मैं इस गांव में किसी को जानता तो हूं नहीं, भला खान पीने को किस्ता मांगू। उनके तो गुरुजी भूखे बैठे, इनके मैं भूखा खड़ा हूं। इस घर का किवाड़ पीटता हूं, शायद यहां कोई हो, कुछ जुगाड़ हो जा खान पीने का। अरे है क्या कोई, अरे है क्या कोई, अरे है क्या कोई भीतर, बाहर कोई हो। ओ भिखमंगे, तुम्हारे घर में केले न बढ़ गया, जा नहीं अंत है। बात सुन ले रही चाची, मैं भिखारी ना हूँ, मैं हूँ कल्लू सपेरा, गांव में बाहर डाल रखा मन्ना अपना डेरा। मेरी गैल इज्जत से बात करिए। हराम जादे, तेरे हलक में ना सिक्को के झाड़ू दे दूंगी, तब मैं चाची दे घरी, चाची बता रहा मुझे। चाची ना कहूँ तो और के कहूँ। भाभी बोल, तो तेरी शान घट रही, भाभी बोल। सिकल तो तेरी ताई जैसी है, पर तू कह रही तो भाभी कह दू। भाभी मुझे एक चीज चाहे, तू दे देगी के? बताता जे के दू, गाली दू, धमकी दू और धक्का दू। अरे भाभी तू लाल मिर्च घनी खावे है के, जो सिलवार में तो लिकड़ निकड़ के भाग रही। अन्यान मैं तेरे दर पर आया हूँ, तू मुझे धक्के देने की बात कर रही, ऐसा ना करे भाभी। अच्छा चल बता के चावे तुझे। बात ऐसी है भाभी, मेरा गुरु वहां डेरे पे भुक्का बैठा, मैं यहाँ भुक्का खड़ा हूँ। तू काले नाग के नाम पे हम दो बंदों को कुछ खाने को ला दे, परमात्मा तेरी आत्मा का खात्मा करेगा। मम 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 मेरा मतलब परमात्मा तेरा भंडार भरेगा। मैंने तो मसूर की दाल बनाई, मैं लाऊ, रुक जा तू। दाल दाल झेर में डाल, हम सपेरे न खाते दाल भताल, हम खावे बढ़िया माल, मारी खातर मटर पनीर, मखाने वाली खीर, आलू के पराठे देसी घी में बने हुए, बादाम का हलवा, 2 किलो दूध ले आ। अरे हराम खाने, तू तो हमारे घर भात भरन आया, जो मैं तेरे नाम के पच पकवान बनाऊं। इस मेंढक जैसी थूतड़ी को लेकर चला जाए यहाँ, ना तो तेरी आंखों में लाल मिर्च घेर दूंगी। अरे भाभी मैंने तेरे तो एक टाइम का खाना ही तो मांगा, ना तेरी किडनी मांग ली जो तू इतना गर्म हो रही। तो यंता जा रहा है ना जा रहा, और फोड़ू तो ये दी दे। जा रहा हूँ जा रहा हूँ, पर याद रखिए कल्लू सपेरा नाम है मेरा, जो 2-4 नाग तेरे घर में लाके घेर दिए ना, तो सारे गांव में डांस करती फिरेगी। अच्छा तो तू ऐसे ना जाने का। ऐसे ऐसे और आजा सिर में दर्द करने को, मेरा तो वही बीपी आई रहा है, ये और कर दे। आ भी आ रहा हूं 10 मिनट में। उतरी उतरिए मोहिनी। अरे मेरे सुसरे झपट मार, तू काजू बादाम का तेल पीवे के, तू तो 12 सिंगा से भी तेज दौड़ रहा, तने तो मेरे फेफड़े फुला दिए। अरे पहले सांस बहाल कर ले, मार पिटाई बाद में देखेंगे। हाँ यो बात तो तने बड़ी समझदारी कह दी भाई, चल इस बात में ते 2 रेप्टे कम मारूंगा। अरे आ लिए, चलो रे चलो। ओ हीरो देखी मेरी चलाकी, तुझे बिना नोते के यहाँ बुला लिया। अच्छा तो ये मोबाइल छीनवाने की प्लानिंग तन्ने करी? हाँ मन्ने करी, उस दिन उस फकीर के आगे हीरोगर्दी दिखा रहा था ना, आज तेरी हीरोगर्दी काट दूंगा। अरे तेरी फुप्पी को लेकर भाग जा तेरा मामा, मेरे सुसरे तुझे दूसरों छितने में मजा आवे के, उस दिन तो तू मेरे से छिता था, आज फिरा ले छितने को। बुरा नाम है मेरा बुरा, बदलाना छोड़ता मैं अधूरा। तेरा नाम है भूरा, तेरे घेट में दे दो धतूरा।
अरे तू कहाँ जा? अरे इसने जो 2.5 किलो का गुट्टा मारा ना, उसने मेरी कब्जी सी तोड़ दी। अरे मैं इतने अपनी टंकी खाली करके आऊँ ना, इतने तुम इसे पिटो। हमला करने से पहले आपस में सलाह कर लियो भाई, मेरे ऊपर पहला हाथ उठावे जो सबसे ज्यादा छितना चाहे। ओ भाई, हमें ना पिटना तेरे से, हम तो अपने घर को चले। आओ भाई आओ। अरे तू कहाँ जा, मेरा मोबाइल देता जा और थोड़ा प्रसाद लेता जा, ला। अरे अंगूरी, जल्दी जल्दी हाथ चला ले, के रोटी ना खाई थी आज। भैरे, तेरे से ब्याह करके तो मेरे बाग फूट गए, घर का भी करूं और तेरी दवाई भी कुटू। वैद जी, राम राम। राम राम भाई, राम राम। बता के है तुझे मेरे तक काम? वैद जी, मैं और मेरा गुरुजी दोनों भुक्के हैं। तुम अपनी घरवाली पे 5-7 तरह का भोजन बनवाया कर मुझे दे दो, मेरी भुक्के पे टांस सूझ रही। की कह रहा? फेफड़ों की धड़कन बढ़ रही। अरे भाई, तू तो गंभीर बीमारी की स्टेज से गुजर रहा, और अगर तन्ने अपना देसी इलाज मेरे से ना करवाया ना, तो तू तो मरेगा, तेरा हो जाएगा हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वैद के बच्चे, मुझे ना है कोई रोग, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इलाज की जरूरत तो तुझे है, तुझे ही ठीक सा सुनाई ना देता है। के कह रहा? मैं ठीक दवाई ना देता? अरे मैं हूँ गलूर सिंह वैद, और मैं हर बीमारी का इलाज थोक बजा के करूँ। अरे बताइए अंगूरी से। अरे भैया, वैद्य जी का नाम तो दूर दूर तक मशहूर है, तू कैसे कह रहा बढ़िया दवाई ना देते? अरे मौसी, जो इस भैरे भट्ट ने सुना मैं ऊना कह रहा, मैं तो इससे 2 आदमियों का भोजन मांग रहा, यू भैरा भट्ट मुझे मरीज समझ बैठा। अरे तू भिखारी है के? मैं भिखारी क्यों होता, मैं हूँ कल्लू सपेरा, गांव तो बाहर डाल रखा हमने अपना डेरा। अच्छा तू सपेरा है, फिर तो तू सांप भी पकड़ लेता होगा। अरे मौसी, तू सांप की बात कर रही, मैं तो नाग, नागिन, कोबरा, घोड़ा पिछाड़, अजगर, दुमई सब पकड़ के अपनी झोली में कैद कर लूं। ओ भाई सपेरे, एक दिन हमारे घर में इसने भी सांप देखा था, 2 मिनट में कहीं गायब हो गया। तूनू बता, उसे भी पकड़ के लिए जा सके कि? जो तन्ने वो सांप पकड़ लिया, मैं तुझे 100 रुपए भी दूंगी और खाना भी दूंगी। तुम दोनों ने सांप पकड़ने का टेंडर मुझे देके घनी अकड़बंदी का काम कर दिया। अब मैं अपनी बीन बजाऊंगा और सांप को बुलाऊंगा और उसे पकड़ के अपनी गैल ले जाऊंगा। इब देखो तुम मेरा कमाल। अरे माँ, यू जमुना सा के ड्रामा कर रहा हमारे घर में, कौन है यू? मोहिनी, चल तू भीतर जा। हाँ भाई, अब दिखा तू अपना के खेल दिखा रहा। क्या मेरी बीन का लहरा सुन के नागरा? देख लिया तुमने कल्लू सपेरे की बीन का कमाल, आ गया ना सांप मेरे हाथों में।
अरे झकोई, यू सांप थोड़ी ना, यो तो कैचवा। अरे मुझे लगा तू अभी पक्का सपेरा रमना, तेरे बस की ना सांप वहां पकड़ना, तू तो कैचवे ही पकड़ सके। अरे ना यू बात ना, एक बार तो मैंने 7 फणों का नाग पकड़ा था, पर आज मुझे घनी जोर की भूख लग रही, इस मारो मेरे पे भीन नहीं बजी। ऐसा है, मेरे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए सपेरे हैं, तो मैं कुछ सांप से दिक्कत पड़े तो आके मेरे गुरुजी तो मिल लियो, मारा डेरा गांव में ही पड़ा है। चल ठीक है, तू रुक, मैं तेलियो रोटी ले का आऊं। ला मुझे दिखाइए भाई। अरे पिताजी, तुम क्या करोगे इस कैचवे का, फेंक दो परेगू। अरे सर फेंक दू, इसका तो मैं ऐसा तेल बनाऊंगा जोड़ों के दर्द में बहुत बढ़िया काम करेगा। चल 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 निकल ले, तेरा काम खत्म हो गया। ओम नाग देवताए नमः, ओम नागेश्वराय नमः। अरे यू कौन बाबा बैठा है साधना सी में, आज तो पहले तैयारी कर दी, देखा नहीं इस तो सट्टे का नंबर पूछता हूँ, बता देगा यू, जो इसने बता दिया मौज ही आ जाएगी। ओम नाग देवताय नमः, ओम नागेश्वराय नमः। राम 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 राम। दुष्ट, तुझे दिखाई नहीं देता मैं साधना में बैठा हूँ, तू मेरी साधना भंग करने चला, भाग इससे। अरे बाबा मैं कहाँ कहाँ तो भगू, दिन निकल दू तो मेरी लुगाई भगा दे मुझे घर, किसी पड़ोसी के जाऊं तो पड़ोसी गाड़ी देकर भगा दे, किसी रिश्तेदारी में जाऊं तो रिश्तेदार लठ मार के भगा दे, और अब मैं तेरे पास आया हूं तो तू भी मुझे भगा रहा। भागता भागता मैं तो कति तंगा लिया, अब मैं कहां भाग जाऊं। ओहो तू तो बहुत दुखी आत्मा, तू एक काम कर, तू जमुना पे जा और तू डूब के मर जा, तेरे जैसी बेकारी आत्मा का इस धरती पे के काम। न्यू मत कहो बाबा, मैं बेकार ना हूं, मैं तो बहुत तगड़ा खिलाड़ी हूं। ओहो तो तू खिलाड़ी है, क्रिकेट खेल ले, वॉलीबॉल खेल ले, लूडो खेल ले या कबड्डी खेल ले, कौन सा खिलाड़ी तू, काहे का खेल खेल ले तू। अजी मैं तो सट्टा खेलूं। हैं? बाबा तू मुझे कोई सट्टे का बढ़िया सा नंबर बता दे, मेरा भला करवा दे। अरे सट्टेलची मैं सट्टे बताने वाला बाबा ना हूँ, मैं तो साधुलाल से पेरा हूँ, मैं तो सांपों के बारे में बता सकूं। अरे बाबा क्यों नखरे दिखा रहा, न्यू कर लेंगे जीतते हुए पैसा में तो आधे आधे कर लेंगे, तू बस बढ़िया सा नंबर बता दे। मका मेरा दिमाग खराब ना करे, नहीं तो तेरी दोनों आंख लिखाड़ के इस चिमटे से घोड़ा पछाड़ नाक को खवा दूंगा। अरे बाबा बता दे क्यों नखरे कर रहा। ला तुझे बता दूं, तुझे सट्टा बता दूं, तेरे ससुरे आ जाए या सट्टा बूझने नशेड़ी कहीं क्यों। ओम नाग देवाय नमः। अच्छा मेरी आंखों को घोड़ा पछाड़ नाक को खवाएगा, रुक तेरा भी राव अंत हूं। ओम नाग देवाय नमः, ओम नाग देवाय नमः, ओम नाग देवाय नमः। अरे इस गांव के भी साले बड़े ऊत हैं, मेरा ससुरा बड़ी बदजमी वाली बदबूदार डकार मुंह पे फेंक के गया, वो तो मैं सपेरा था जो झेल गया, कोई गांव का आम आदमी होता ना तो कोमा में पहुंच जाता। ओम नाग देवाय नमः। वैद्य जी, मेरे भाई की पित्त की थैली में पथरी है और हमने आपका काफी नाम सुना है, और इसे अच्छी सी दवाई दे दो। वैद्य जी मेरी पथरी भी लिकाड़ दो, मैं पथरी के दर्द से बहुत परेशान हूँ। हैं? क्या कह रहा, मैं बेईमान हूँ? मैंने तेरी गैल कौन सा बेईमान ना कर लिया भाई, जो तू मुझे बेईमान बता रहा। बात सुन रहे, मेरे जैसा सच्चा और ईमानदार वैद्य पूरे देश में नहीं है, मैं पित्त की थैली और गुर्दे की पथरी का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं ठोक बजा के पैसे लेता हूँ और दवाई ऐसी दे दूं कि 2-3 खुराक पीने में ही पथरी का नामो निशान मिटा दूं, और तू मुझे बेईमान बता रहा। वैद्य जी यू तो मैं बेईमान ना बता रहा, तुम्हारे सुनने में फर्क है, यू तुम्हारी बढ़ाई कर रहा। के कह रहा, मैं थारी का लड़ाई कर रहा,
ना मेरे यार, मैं तो बहुत भला वैद हूँ, मैं किसी के लड़ाई नहीं करता। अरे कान के पर्दे तो इस वैद के खराब है, दिमाग ही हमारा खराब कर रहा। वैद जी, हम सोनीपत से आए हैं और हमें वापस भी जाना, आप इसे जल्दी से दवाई दे दो। के कह रहा, मिठाई दे दूं? रे बावली पूछ, मैं कोई हलवाई हूँ जो तुम्हें मिठाई दे दूं? रे मैं तो वैद हूँ, मैं तो दवाई दूंगा। ले भाई ये ले दवाई, दो दो ढक्कन दिन में को 3 बार, चाय चिकनाई का फ्रेज, और लावे तू 2000 रुपए दे। लो वैद जी। हाँ अब तुम ऐसा करो, जाओ दवा खाने तो बाहर, और मरीजों को आने का टाइम हो रहा। ओम नाग देवाय नमः, ओम नाग देवाय नमः। गुरुदेव। ओम नाग देवाय नमः। गुरुदेव आँख खोल के देखो, मैं खाने का जुगाड़ कर लाया। अरे गधे के मामा, तू गांव में गया था या कुल्लू मनाली पहुंच गया था? मेरे पेट में भूख के मारे चूहे तांडव कर रहे। यू खाना लाने में मेरी कितनी ऐसी तैसी हुई है गुरुदेव, बस बुझो मत ना। पर मैं भी थारा पक्का चिल्ला हूँ, थारे लियो ऐसा भोजन लाया हूँ जिसे खाते ही थारी आत्मा खुश हो जाएगी। ला दिखा कौन से व्यंजन लाया तू, ला दिखा। अरे ये लाया तो मेरे लिए सत पकवान, इन्हें खाकर तो मेरी लैटिंग भी ऐसा सूख जाएगी जैसे बिना उबली शकरकंदी। गुरुदेव थारी कसम, मैं तो पकवान लेकर आया था, पर मुझे नहीं पता रस्ते में क्या जादू हो गया, सूखी रोटी बन गई। अच्छा बेटे तने मेरी झूठी कसम तो खा ली, ले अब चिमटा भी खा। हर बार साला मार खाने से पहले ही भग जा। लाया मेरा ससुरा सूख के टिक्कर, ले भूख तो मिटानी है ही, ले खाई लूं। अरे बाबा कहां तू ये सूखी रोटी खान लग रहा, तेरे लिए तो मैं दाल भात बनवा के लाया, देसी घी का छोक लगवा के, इसे खा तू। भाई तन्ने तो मेरा दिल खुश कर दिया, भगवान तेरा जुड़वा बेटा दे दो। अरे महाराज मेरा जुड़वा वाला कहां से हो जाएंगे, मेरा तो अभी ब्याह भी नहीं हुआ। और तुम एक काम करो, मुझे ब्याह का आशीर्वाद दे दो। अच्छा गुरुजी, पहले तुम दाल भात खा लो और बाद में दे दियो आशीर्वाद तुम मुझे। मजा आ रहा महाराज, मुंह तो नहीं जल रहा, खाओ जाओ। यू थारी बढ़िया बात ना गुरुदेव, किल्ले किल्ले सूत रहे हो माल को। तू भी खा। दोनों गैली खाओगे? अरे लाला तेरी तो नाड़ी की गाड़ी बहुत धीरे चल रही है, इसमें तो पंचर हो रहा दिखे, तुझे तो कोई बहुत ही गंभीर बीमारी है। अरे छोड़। अरे वैद जी मुझे कोई गंभीर बीमारी ना है, मुझे तो आजकल भूख कम लगे, मुझे तो कोई भूख बढ़ाने की बढ़िया सी दवाई दे दो। है के कह रहा, मैं अपनी लुगाई दे दूं? अरे बावली पूछ, अगर मैं अपनी लुगाई तुझे दे दूंगा तो मैं के यहाँ बैठ के सिंगाड़े छिल लूंगा। अरे पिताजी तुम भी कुछ का कुछ सुनो, यू बेचारा लुगाई ना मांग रहा, यू तो भूख बढ़ाने की दवाई मांग रहा। अच्छा भूख बढ़ाने की दवाई मांग रहा, तू ऐसा कर इसको त्रिफला में अजमान और जीरा मिला के दे दे, और मुझे गांव में एक बार कुछ काम है, मैं हो जाऊं। ले भाई अभी दू तुझे दवाई बना के।
अरे ओ भाई दीपक, दो चार पीढ़िया वैसी वाली बना दीजो। वैसी वाली? वैसी वाली कैसी भाई? अरे जिसे रात को खाकर टारजन वाली फीलिंग आ जावे। अरे टिक्कड़ के बीज, भूख तुझे लगती नहीं, ब्याह तेरा होया नहीं, फिर तू टारजन बनने की दवाई काहे को मांग रहा भाई? ऐसे दो नंबर का काम ना करते हम। अरे दे दे यार, क्यों नखरे कर रहा, 10-20 रुपया फालतू ले लीजो। साढ़े मिनट से बैठ, टर जा के तुझे बनाओ भी टारजन का फुप्पा, चल तू बन जा। अरे सुसरे, आजकल के लोंडे लवारे कोल्ड ड्रिंक गुटके में जवानी गड़ा रहे, घी दूध खाते नहीं, फिर मांगा टारजन बनने की दवाई। माँ जी, मेरे होते हुए आपको काम करने की क्या जरूरत, लाइए मुझे दीजिए, मैं अपने आप कर लूंगी। जुग जुग जियो बेटी। माँ जी, घर में बहू मौजूद हो और सास काम करे, ये तो बिल्कुल गलत बात है, आप बस आराम करें, दीजिए मैं अपने आप कर लूंगी। ए भगवान, मेरे तो भाग खुल गए, इतनी कमेरी बहू मुझे घर बैठे ही मिलेगी। अरे भगवान, तू यहाँ क्यों बैठगी, घर में जा, बहू घर में अकेली है, बहू का काम में हाथ बटा। अरे वैद्य जी, मेरा दीपक बहू के रूप में हीरा लेके आया, मुझे तो कुछ काम ही नहीं करने देती वो। जा यहाँ, तो मैं अपने आप कर लूंगा। लीजिए पिताजी। हाँ हाँ, लीजिए माँ जी। जीती रे बहू, तेरी सेवा से तो मैं बहुत ही खुश हूँ। बहू, अगर तुझे हमारे घर में कोई दिक्कत हो तो बेटा बता दिए, हम नहीं चाहते कि तुझे कोई दिक्कत हो। ठीक है पिताजी, मैं जरूर आपको बताऊंगी। ऐ के कह रही, जरूर सताऊंगी ना बेटी, ऐसा ना करिए, हमने तुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी मानना है, अगर तू भी हमें सतावेगी तो हम कहाँ जाएंगे। अरे बहू, तेरे ससुर तो कुछ का कुछ सुने, यू बहरा है, इसकी बातों का बुरा मत मानना कर। माँ। हाँ। पिताजी, हमारी लॉटरी लग गई, अब हम भी करोड़पति होने वाले हैं। के कया, पड़ोसी एक बोने वाले हैं। अरे वे चाहे एक बोवे चाहे बाजरा, हमें इस बात का क्या मतलब, हमें कौन सा उनके एक बुआन जाना है। अरे पिताजी, तुम बात को ध्यान लगा कर सुने करो, मैं नू कह रहा हूँ, अब हम भी करोड़पति बनने वाले हैं। करोड़पति? करोड़पति वो कैसे? अरे वो हाईवे के नीचे हमारी बंजर जमीन ना पड़ी थी, उस पर फ्लाईओवर बनना पास होगा, सरकार हमें उसके मुआवजे के 2 करोड़ रुपए दे रही है। बेटे, तुझे ये बात कैसे पता चली? माँ, प्रधान जी ने बताई मुझे, और तहसील से आई लेटर भी दिया, इसमें मुआवजे का पूरा ब्योरा लिखा कि कैसे कैसे मिलेगा। भाई, जब से हमारे घर में इस बागवान बहू के पैर पड़े हैं, तब से कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा, भगवान ने तो हमें बहू के रूप में लक्ष्मी दे दी। कहाँ जा रहे तुम दोनों की दोनों? अरे हम प्रधान जी के घर तक जा रहे हैं, जमीन के मुआवजे के सिलसिले में हम भी तो देखे जाके कि सरकारी प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची। हाँ हाँ, तुम जाओ, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अच्छी खबर लाओगे। ऐ के क्या, धक्के खाओगे? अरे हम धक्के खान ना जा रहे, हम प्रधान जी के दौरे जा रहे हैं, जमीन के मुआवजे की बात करने। अरे माँ, तू पिताजी गैल क्यों मगज मार रही है, यू तो झाड़ू को भी आड़ू कहवे, हम दोनों जा रहे हैं, तू है ना घर का मेरी बहू का ध्यान रखिए, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ, मैं ध्यान रखूंगी। चलो। हाँ चल चल चल। ए बहू, दोपहर के खाने में के बनावेगी,
ठीक है सासू माँ, जो आप कहेंगी वही बना दूंगी। ऐसा कर बहू, राजमा चावल बना ले, दीपक को बहुत पसंद है। ठीक है सासू माँ, मैं राजमा चावल ही बना लूंगी। बहू मुझे एक गिलास पानी ला दे, मुझे प्यास लग रही चने खा के। ठीक है माँ जी, मैं लाती हूँ। अरे कौन हो तुम? बुढ़िया अलग आवाज मत लिगाड़, नहीं तो तेरा गला काट दूंगा। जो भी तेरे घर में चीज हो, गहने चूड़ी कंगन सब निकाल दे, नहीं तो आज हम तुझे जान तो मार देंगे। बचाओ बुढ़िया। सांप था जो मैंने उस दिन दीपक के कमरे में देखा था। लगता है मेरी जान बचाना आया था, वो तो मेरी जान बचा के चुप चला गया। लीजिए सासू माँ पानी। माँ कैसे, तेरी तबीयत ठीक ना लग रही मुझे, के बात है, कैसे परेशान से हो रही बता मुझे। अरे अंगूरी, तुझे तो हम राजी खुशी छोड़ के गए थे, तुझे के साफ ससुंग क्या, तू तो पीली हुई पड़ी। आज तो मेरी घर चाड़ा होगा था, तुम तो चले गए थे, दो बदमाश घुस आए थे घर में, वो दोनों बदमाश मुझे मार जाते और हमारा घर लूट कर ले जाते। तू तो भला हो सांप का बेचारे का, एंड टाइम पा के मेरी जान बचा ली और हमारा घर लूटने से बचा लिया। अंगूरी मुझे तो ऐसा लग रहा कि मारे बाबा पड़बाबा सांप के रूप में आकर हमारी रक्षा कर रहा, जब ही तो उसने तेरी जान बचा दी और इस घर को लूटने से बचा दिया। जय हो नाग देवता। हाँ हाँ मुझे भी ऐसी लग रहा। हाँ माँ तू ठीक कह रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। आचल मोहिनी। मेरी इच्छाओं की मंजिल इच्छाधारी नाग इस इलाके में कहीं मौजूद है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और अपनी मांत्रिक शक्ति से उसकी नागमणि को हासिल कर लूंगा। गुरुदेव के पा गया था मैं जो इतने खुश हो रहे हो। चेले इस गांव में आकर हमारा भाग्य बदलने वाला है, जिस चीज की मुझे बरसों से तलाश थी वो तलाश मेरी जल्द पूरी होने वाली है। गुरुदेव थारा दिमाग चल गया दिखे, जो तुम इस गांव की इतनी बड़ाई कर रहे, यू गांव ना धिल्ले का भी। गुरुदेव इस गांव के लोग तो घने कंजूस हैं, किसी को दो रोटी खवाएगा राजी ना है। अगर हम इस गांव में हफ्ता 10 दिन रह गए तो मांस तो जागा हमारा सूख और हड्डी बन जाएंगी नरकंकाल। मेरी बात मानो, इस गांव में तो चल के किसी दूसरे गांव में चल के डेरा जमा लो। चले अभी तू नादान है, जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता, इसीलिए तो तू जाने के लिए कह रहा है। हम इस गांव से जब तक नहीं जाएंगे जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। गुरुदेव तुम्हें समझाना तो घना खेड़ा काम है, तुम मेरी बात कभी नहीं मानते,
तो मुझे भुक्का मरवाओगे। तू जा, मेरा दिमाग खराब मत कर और जाके अपनी बीन पे रियाज कर। ठीक है जी। मणि, नागमणि, तू मुझसे ज्यादा समय दूर नहीं रह सकती। नागमणि, मैं तुझे हासिल कर लूंगा। एक प्लेट दीपक और दीपक की बहू को दिया हूं। ये कह रही जलेबी ना खाऊं। अरे बावली, क्यों घास देख के सींग हिलावे? खा के देख कितना बढ़िया माल है। नागमोहिनी, देख मैं तेरी पसंद की चीज लेकर आया हूँ, उबले हुए अंडे। मुझे कच्चे अंडे पीना ज्यादा पसंद है, पर जब तुम इतने प्यार से मेरे लिए उबले हुए अंडे लेकर आयो तो मैं इन्हें जरूर खाऊंगी। नागमोहिनी, आज तने अपने नागिन रूप में आके मेरी माँ की जान बचाई, इस घर को लूटने से बचाया, मैं यूं तेरा एहसान कैसे उतारूंगा? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ तो क्या हुआ नागेश, मैं इस घर की बहू भी तो हूँ। मैंने अपने सास ससुर की सेवा करके और इस घर की रक्षा करके अपना फर्ज निभाया है, इसमें एहसान कैसा? यू बात तो ठीक है, पर तू कोशिश करेगा कि तू नागिन रूप ना धारण करेगा। जो मार पिताजी को पता चल गया ना कि तू इच्छाधारी नागिन है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाओगी। ठीक है नागेश, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना नागिन रूप ना धारण करूं। ए भगवान, मैं जान गई यू सांप हमारे घर में बार बार क्यों दिखाई देवे। मेरी बहू ही इच्छाधारी नागिन है, दीपक भी इस बात को जाने, युवराज दीपक ने हमारे से छुपा कर रखा। ए भगवान, अब क्या होगा हमारा, इस नागिन से कैसे पीछे छूटेगा हमारा। अरे अंगूरी, मैं वहां बाहर देख रहा तुझे जलेबी ना खाने के, तू यहाँ खड़ी, और ये जलेबी तू देखे नहीं आई कमरे में बहुत टुकू। तुम जलेबी की बात छोड़ो, तो मैं ऐसी बात बताऊंगी तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। है के कह रही, बीन बजाने से भैंस भी थक जाएगी। अरे कौन बजा रहा है इतनी रात को बीन? बहरे, अपनी बकवास बंद कर, मेरी बात सुन। नागमोहिनी, आज तंदे अपने नागिन रूप में आके मेरी माँ की जान बचाई, इस घर को लूटने से बचाया, मैं यूं तेरा एहसान कैसे उतारूंगा? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ तो क्या हुआ नागेश, मैं इस घर की बहू भी तो हूँ। मैंने अपने सास ससुर की सेवा करके और इस घर की रक्षा करके अपना फर्ज निभाया है, इसमें एहसान कैसा? हमारा तो नास हो लिया नास, नागिन आगी बहू बन के अब कैसे होगी? अंगूरी, जो तू कह रही वैसे तो इस बात का मुझे विश्वास हो नहीं रहा, पर इस बात की सच्चाई तो हमें जांचनी पड़ेगी, तभी तो पता लगेगा भेद का। जाचो, कैसे जाचोगे? अंगूरी, मेरा बाबा नू कह रहा था कि कोई भी नाग नागिन या छलावा 24 घंटे से ज्यादा रूप बदल के नहीं रह सकता। 24 घंटे में 2-4 बार तो ये अपने असली रूप में आवे ही है, इसीलिए हमें अपनी बहू पर नजर रखनी पड़ेगी, तभी इस भेद का पता चलेगा। दीपक, आज पूर्णमासी की रात है और आज की रात मुझे अपनी कांचली उतारनी है और उसके लिए मुझे भी जंगल जाना होगा। अरे कांचली उतारने के लिए जंगल में जाने की जरूरत है, ये उतार ले। तुम्हें याद नहीं है क्या नागेश, इच्छाधारी नाग नागिन अपनी केसली उतारने के बाद पूर्णमा पत्तों पर पड़ी हुई ओस चाटते हैं। मैं यहाँ घर में कांचली उतारूंगी तो ओस कहाँ जाकर चाटूंगी, मुझे जाना ही होगा नागेश। ठीक है चली जा, पर दिन निकलने से पहले वापिस आ जाइए। ठीक है नागेश, मैं आ जाऊंगी। चल मेरी नागिन, मैं तुझे चुपके से गेट के बाहर तक छोड़ाऊं।
बेटे दीपक, हम दोनों ने सारी सारी बातें सुन ली और यू नागिन भी तेरे हाथ में देख ली, और तुनू तो बता इस इच्छाधारी नागिन के साथ में ब्याह करके तुमने करा के है। पिताजी, जब तुम दोनों का आगे मेरा भेद खुलेगा तो मैं तुम्हें सच सच बताऊंगा। दीपक बेटा, इसे घर से निकाल दे, नहीं तो हमें तीनों खा जाए। निकाल दे बेटा, निकाल दे। माँ, यू नागमोहिनी मेरी पत्नी है, इसका मेरा 7 जन्मों का रिश्ता है, ना तो मैं इसे घर से निकाल सकता और ना अपने दिल से निकाल सकता। सासू माँ, आप लोग मुझसे डरिए मत, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं जीवन भर आप तीनों का भला ही चाहूंगी और आप तीनों की सेवा करूंगी। अंगूरी, या के कह रही नागिन, मुझे इसकी बात कुछ पर लेना पड़ रही। यो नू कह रही है, मुझसे डरो मत, मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। बेटा, इंसान और नागिन का रिश्ता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, और तुम दोनों का ब्याह भी अवैध है। और बेटा, मैं तुम्हारी सेवा की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे घर से चली जाओ। पिताजी, यू मेरी धर्म पत्नी है, यू ऐसे कैसे घर से चली जाओगी? तुम जो नू कह रहे हो कि इंसान और इच्छाधारी नागिन का मेल नहीं हो सकता, तो तुम्हें एक सच बात बताऊं, पूर्व जन्म में मैं भी एक इच्छाधारी नाग था। नागमोहिनी उस जन्म में मेरी पत्नी थी और इस जन्म में मेरी पत्नी है, हर जन्म में मेरी पत्नी यू ही बनेगी, यू मेरा अटल फैसला है। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि फिरगी के? जरा ये तो सोच, इस नागिन से जो तेरे बच्चे होंगे वे इंसान होंगे या सांप सड़िंदे होंगे? अरे इस नागिन से ब्याह करके तन्ने तो मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया, और बात सुन ले रहे कान खोल के, या तो इस घर से इस नागिन को भगा, नहीं तो मैं और तेरी माँ अभी यही मरेंगे जहर खा के। अरे पिताजी, तो मेरी बात समझने की। दीपक जी, आप ज्यादा हुज्जत मत करिए, मेरे होते हुए मेरे सास ससुर जहर खाएं, ऐसा मैं कैसे होने दे सकती हूँ? मैं जंगल जा रही हूँ। अरे तू बावली होगी के, जो तू इनकी धमकी से डर के मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम्हें तो मैं महा पढ़ले आने तक भी नहीं छोड़ूंगी स्वामी, लेकिन अभी मेरे सास ससुर मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुम और मैं मिलकर इनकी विचारधारा को बदल देंगे और मैं इस घर में फिर से लौट आऊंगी। मुझे छोड़कर मत जा नागमोहिनी। नहीं नागेश, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाने दो। ए भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सही रहा वो नागिन चली गई, नहीं तो हमारे घर का नाश ही कर देती। और वो नागिन भी चली गई, लड़का भी भीतर चला गया, हम यहाँ क्या कर रहे, चल तू भी। देखिए मेरे ससुरे को के घोड़े की ढाल गोड्डी ढाके सो रहा, खराटे और भर रहा। ओ मेरे आलसी चिल्ले, अरे सूरज सिर पा लिया, दुपहरा हो लिया, रे ससुरे के खड़ा हो जा, यू बनेगा सपेरा। अरे तू इतना क्यों सोवे, सवेरे नहीं उठा जाता तेरे पे? अरे गुरुदेव, मुझे कौन सा जंग लगने जाना बॉर्डर पे जो तुम मुझे इतना सवेरे ठा रहे हो, थोड़ी देर और सो लेन दो। अरे निकम्मे, इतना अलकस करने से तू महान सपेरा नहीं बनने का, चल खड़ा हो। गुरुदेव, जो तुम मुझे नु कह रहे हो सपेरा नहीं बनूंगा, सपेरा ना बनूंगा तो और के बनूंगा? अरे तू बनेगा जमूरा बेटा कल्लू, सपेरा बनने को बहुत मेहनत करनी पड़े और कुछ त्याग भी करना पड़े। अरे गुरुदेव, तुम मुझे त्याग की बात मत बताओ, मैंने अपना घर त्याग दिया, घर वाली त्याग दी, अपनी पड़ोसन और सराय वाली साली त्याग दी, और कौन सा त्याग करवाओ मेरे पे, और क्या अपने प्राण त्याग दूं? अरे तू दो बात मुझे आगे की ना बतावे, गांव में कुछ चला जा
और कुछ नाश्ते पानी के इंतजाम कर ले जा। गुरुदेव बात सुन ले पहले सुदम सूद, मैं पहले अपनी टंकी खाली करने जाऊंगा तो तुमते अपने दांत चमकाऊंगा, फिर उसके बाद ठंडे ठंडे पानी तक नहाने जाऊंगा, फिर एक घंटा अपनी बीन बजाऊंगा, फिर नाश्ते पानी का जुगाड़ करके लाऊंगा। बस ठीक है, तन्ने तो सान लोग का बता दिया शेड्यूल, तेरे चक्कर में रहमत मन ने कर लिया नाश्ता, मैं तो खुद ही नाश्ते का जुगाड़ करने जाऊंगा। अरे बगा सुने के अंगूरी, 100% लफंगा हो लिया तेरा पूत, दवा खाने में बैठने की उसे ना बिल्कुल फिकर, हंडवा लो उसमें बतेरा और फिर जा लिया होगा देख पता नहीं, लिखवा लिए तू मेरे तय, बिल्कुल ना बनने का वो वैद। अरे जाओ तुम तो मेरे छोरे के पीछे ही पड़े रहो। जय हो नागदेवा, जय हो नागदेवा, भोजन का दान कर देवी तुझे मिलेगी मेवा। ए, कौन है तू, कहां से आया, सकल ते तू तो रोगी सा लग रहा। अरे वैद महाराज मैं रोगी ना हूँ, मैं हूँ योगी, मेरा नाम है साधुलाल सपेरा और गांव के भारगे रखा मन ने अपना डेरा, नाग देवता के नाम पर मेरे लिए नाश्ते का इंतजाम करा दे, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। हैं के कह रहा पादुआ, ओ अब मुझे तेरी बीमारी का पता लग गया, तेरे पेट में हो रहा है इन्फेक्शन, तुझे करवाना पड़ेगा इलाज, तू चिंता ना करे महाराज, गलूर सिंह वैद्य के इलाज से तू 3 दिन में बिल्कुल फिट फोर हो जाएगा। अरे बहन जी यू आदमी है कि पेटीकोट, मैं कुछ कह रहा यू कुछ कह रहा। अरे महाराज जी यू उच्चा सुने, इसके कान के पर्दे खराब हैं। अरे बहन जी इसका किसी अच्छे वैद्य से इलाज करा दो, नहीं तो कोई किसी दिन इससे लिपट जाएगा, इसका लंगूर बना देगा। के कह रहा अंगूर खुआ देगा, देख भाई हरे वाले अंगूर तो मैं खाता नहीं पर हाँ काले वाले खिला दिए। इस चोंच को बंद भी तो कर सके, हरदम टैं 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 करता रहवे। अंगूरी मजे तो नहीं लगे, इस बाबा के दिमाग में कुछ दिक्कत दिखे, इसे तो मकाजोन की माजून खिलानी पड़ेगी। अचल रहो महाराज, तेरे दिमाग में भी कुछ कमी दिखे, तू बावड़ा है के? मैं बावड़ा नहीं हूं, मैं बहुत पहुंचा सपेरा हूं, मुझे इस घर की दर और दीवार से इच्छाधारी नागिन की खुशबू आ रही है, या तो वो नागिन इस घर में मौजूद है या फिर इस घर में वो आती जाती रहती है। महाराज अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया, आप तो बहुत पहुंचे हुए सपेरे हो, हाँ आपने तो इच्छाधारी नागिन की गंध सूंघ का बता दिया। सांप चाहे किसी भी नस्ल का हो, चाहे कितना भी जहरीला क्यों ना हो, मेरी शक्ति की नजर से वो बच नहीं सकता। मुझे बताओ इच्छाधारी नागिन का क्या मामला है, वो इस घर में कैसे आई? ओ महाराज हमारी तो किस्मत ही खराब है, वो इच्छाधारी नागिन बताओ महाराज नागिन का इंसान का के मेल? महाराज मारी तो बुद्धि काम ना कर रही, समझ में नहीं आ रहा कि उस नागिन से पीछा कैसे छुड़ा मैं। इच्छाधारी नाग नागिन की तलाश में ही तो मैं दर दर भटक रहा हूं, अगर मैंने इस नागिन को पकड़ लिया तो उसकी मैं नागमणि को भी हासिल कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं संसार का सबसे शक्तिशाली सपेरा बन जाऊंगा। के सोचने लगे महाराज हमारी मदद करो प्रभु, उस नागिन से हमारी और हमारे बेटे की जान छुड़वाओ, बदले में तुम्हें जो चाहिए वही हम देंगे। तुम लोग चिंता मत करो, ये साधुलाल सपेरा चुटकी बजाते ही उसे अपनी झोली में बंद कर लेगा और मेरे होते हुए वो फिर कभी इस घर में नहीं आएगी। जल्दी से जल्दी पीछे छुटा दो हमारा। खबरदार सपेरे, वो इच्छाधारी नागिन मेरी जन्म जन्म की संगनी है, जो तन्ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। चला दिया चला दिया, नागिन ने इस नादान लड़के पर अपना जादू चला दिया, यदि जल्दी इस नागिन को नहीं पकड़ा गया
तो तुम्हारे परिवार की तबाही निश्चित है। अरे ओ सपेरे, तुझे मेरे परिवार की फिक्र करने की जरूरत ना है। एक मिनट से पहले फुट ले इसे, चल और दीख मजिए मुझे यहाँ। बहुत गलत कर रहा है बेटा, बहुत गलत कर रहा है। घर नालायक के करके मानेगा तू? घर आए मेहमान की इज्जत भी कर लिया कर। उस सपेरे महाराज को धक्का देकर क्यों भगा दिया तुमने? पिताजी तुम बात समझने की कोशिश करो, नागमोहिनी मेरी पिछले जन्म की पत्नी है और इस जन्म में मेरी पत्नी है और वो ही रहोगी, यू मेरा अटल फैसला है। ए भगवान, जिस बात का डर था वो ही हो गया, पता ना अब के होगा। मैं के बताऊं? होगा के, नागमोहिनी से मेरा मिलन होगा। अगर तुम दोनों ने हमारे मिलन में अड़चन करने की कोशिश करी ना, तो याद रखियो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, फिर रोवा पिट्टी करते रहियो। देख लिया इसको। का जोर लगा लिया पर यू नकली बीन भज नहीं पारी खाली पेट, पता ना गुरुदेव कदकू नाश्ता पानी लेकर आवेंगे। गुरुदेव गुरुदेव, आज क्या पा गया? कहीं 2-4 लाख रुपए पड़े पागे के जो यू उठ पटांग डांस करते आ रहे हो? अरे मूरख, तू लाखों की बात कर रहा है, मुझे बेशकीमती खजाने का पता चला है। अरे मैं इसी खुशी में तो नाच रहा हूँ। अच्छा यू बात है? हाँ। मैं भी नाचूंगा, मैं थार से कम थोड़े ही हूँ, एक और ठुमका थार से फालतू मार दूंगा, देखो। गुरुदेव तुम नू तो बताओ, तुम्हें कौन सा बेशकीमती खजाने का पता लगा है? मैं बरसों से जिस इच्छाधारी नाग नागिन की तलाश में इधर उधर घूमता फिर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो नागमणि हासिल करनी है। नाग देवता की कृपा से आज मुझे वो पता चल गया है कि वो नागिन गाँव के इसी जंगल में कहीं मौजूद है। इच्छाधारी नागिन? वो तो घनी जहरीली और खतरनाक होगी गुरुदेव, वो आपके कब्जे में कुक्कर आवेगी। साधुलाल पहुंचावा मांत्रिक सपेरा है चेले, दुनिया का कोई भी सर्प मेरे सामने पार नहीं पा सकता, मैं उसे चुटकी बजाते ही अपने वश में कर लूंगा। तू जंगल जाने की तैयारी कर। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी जंगल चलने की तैयारी करता हूँ। ऐसे नहीं, हमें बहुत जबरदस्त तैयारी करनी है, कल जंगल में दंगल करेंगे उस नागिन के साथ। ठीक है गुरुदेव जी। हमारे घर का मामला कितना बिगड़ लिया, उस नागिन ने हमारे दीपक को वश में कर रखा, देखो उसका क्या हाल हो रहा। इस नागिन से दीपक का पीछा छुटवाने के लिए तावड़ी सी हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल जाएगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, दीपक इस काम को होने तो न देगा। अरे दीपक को हम पता ही न लगन देने के, चुपचाप करेंगे इस काम को। टाइम हो गया बहुत, तू ऐसा कर भीतर जाके सो और मुझे भी सोने दे और तड़के चलेंगे हम सपेरे के डेरे पे। ठीक है। एक दो तीन, मेरी प्यारी बीन, मैंने कर दिया तुझे एकदम क्लीन। जब मैं गुरुजी की गैल इच्छाधारी नागिन को पकड़ने जंगल में जाऊंगा तो तू मेरी दुर्गति न करवाए दिए। ऐसा बीन का लहरा बजिए जैसा नगीना फिल्म में अमरीश पुरी की बीन ने बजाया था। ओम नागदेवाय नमः, ओम नागेश्वराय नमः। हे सर्वशक्तिमान नागेश्वर, मुझे अपनी सर्व शक्ति प्रदान करो,
मैं आज इच्छाधारी नागिन को वश में करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। मुझे अपनी शक्ति प्रदान करो। ओम नागेश्वराय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सपेरे महाराज, वो नागिन हमारे से हमारे बेटे को छीन लेगी। हमारे पर दया करो प्रभु, उस नागिन के चंगुल से हमारे बेटे को बचाओ। अरे गुरुदेव, इस भैरे भट्ट के चक्कर में ना पड़ो, यू थारे दिमाग को चाट के रहेगा। के कह रहा, तू मेरे लिए खाट के रहेगा? अरे भाई, मैं यहाँ सोना आया, अपना काम करवाना आया। मैं इसकी फुप्पी का भरतू बुड़का, मैं तो गुरुजी को इसके प्रकोप से बचाना चाह रहा था, ये उल्टा मुझे ही पकड़ता दिख है। मैं इसकी उड़ को देखता ही ना। महाराज, जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, उस नागिन से हमारे बेटे को बचा लो। पैसे दो उन्हें। हाँ हाँ, अच्छा लो महाराज, 10,000 रुपए। अगर कम पड़े तो बता दियो, मैं और दे दूंगा। वैद्य महाराज, मुझे तुम्हारे इन कागजों के टुकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं। नाग जाति से इंसानों को बचाना सपेरे का धर्म होता है, उस धर्म को मैं निभाऊंगा। मैं बिना पैसे ही तुम्हारा काम कर दूंगा। तू मुझे सारे काम में बदनाम कर देगा? अरे सपेरे महाराज, मन्ना कौन सा तेरी बजती हुई बीन में उंगली दे दी जो तू मुझे बदनाम कर देगा। ओ भैरे भट्ट, चल पीछे को हट, तेरे सिर में मार दूंगा नहीं लठ। एक तो मैं तेरा फ्री में काम करने की सोच रहा, ऊपर से मेरा दिमाग चाट रहा। चल किसी और पर पकड़ वाले इस नागिन को। अरे गुरुदेव, इस भैरे भट्ट के चक्कर में मत ना पड़ो, इसके मारो दबा के चिमटा और चलो जंगल की उड़को। मैं तो एकदम स्टार्ट बैठा हूँ। चिल्ले, थोड़ा सा सबर कर ले, जल्दी का काम शैतान का हो। चलेंगे थोड़ी देर में, चलेंगे। सपेरे महाराज, ये तो थोड़ा उच्चा सुना, इनकी बातों का बुरा मत मानियो। उस नागिन से हमारा पीछा छुटा दो। तुम्हारी भोली सूरत देख के मुझे तुम पर दया आ रही बहन जी, इसीलिए मैं तुम्हारा काम करने के लिए राज्य हो गया हूँ। नहीं तो इस भैरे भट्ट की बात सुन के मैं बिल्कुल नहीं मानता। के कह रहा, मैं इलाज करना नहीं जानता? अरे सपेरे महाराज, जितना ज्ञान जड़ी बूटियों का मुझे है ना, इतना तो बाबा रामदेव को भी नहीं होगा। अरे एक बात बताऊं तुझे, सलमान खान है ना, वो मेरी ही देसी दवाइयों के नुस्खे खा खा के इतना जवान पट्टा है। यू गुरुदेव तो इनकी गल गाल बजाई में लग गया। यू ना जावे नागिन को पकड़ने, यू तो मुझे केले को जंगल में जाके और नागिन को पकड़ के नागमणि केले को छीननी पड़ेगी। अरे यू कौन सी गिरह का प्राणी है, ठीक से सुनता नहीं, बोले बगैर ही रहता नहीं। बहन जी, तुम इसे हिस्से ले जाओ, मैं इसके सिर में चिमटा मार के इसका सिर फोड़ दूंगा। तुम इसे हिस्से ले जाओ। भैरे भट्ट, चुप ना हो जाता तेरे पे, चा 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 करता रहे, चुप बैठ। लो इस ताबीज को ले जाकर अपने घर पर बांध दो। मैं अपने चेले के साथ जंगल में जाकर उस नागिन को अपने वश में करता हूँ। जाओ। ठीक है महाराज, जय हो जय हो। अरे यू कल्लू कहाँ चला गया? मुझे ऐसा लगे यू ससुरा जंगल में अकेला चला गया दिखे नागिन को पकड़ने। नहीं कैसी होगी इच्छाधारी नागिन, मैंने तो आज रो देखी नहीं, पर चलो जैसी होगी देखी जागी। ऐसा करता हूँ, अपनी बीन का लहरा बजा के उसे मैं यहीं बुलाता हूँ। जय हो गुरुदेव।
कौन है मैडम? मैं तो इच्छाधारी नागिन को बुला रहा था, आप क्यों चली आई जंगल में? मैं इस जंगल में ही रहती हूँ, मैं ही इच्छाधारी नागिन हूँ। इच्छाधारी नागिन? आप तो बड़ी सुंदर इच्छाधारी नागिन है। तू हंस क्यों रहा है सपेरे? मेरा नाम है कल्लू, तू मुझे बना रही लल्लू, अपने आप को नागिन बता रही, मुझे बेवकूफ बना रही। मैं सच में इच्छाधारी नागिन हूँ सपेरे, रुक मैं तुझे अभी अपना रूप दिखाती हूँ। अब बोल, तू मुझे वश में करने यहाँ आया है ना? तू मेरी नागमणि हासिल करने यहाँ आया है ना? हाँ जी आया तो मैं इसी जुगाड़ में। मैं बहुत जहरीली नागिन हूँ, मेरा डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, सीधा यमराज के पास जाता है, और आज तू भी मेरे इस जहर का स्वाद चखेगा। मुझे माफ कर दो नागिन दीदी, मैं तो उल्लू का पट्टा हूँ जो अपने गुरुदेव की कहने में आ गया, तुझे पकड़ने चल दिया। इच्छाधारी नागिन को देखकर हवा निकल गई ना तेरी, जा भाग जा यहाँ से, दोबारा यहाँ दिखाई मत देना, नहीं तो मार डालूंगी। जा रहा हूँ, अब तो बच्चा इस जंगल में नहीं आने का। माँ पिताजी, तुम यू दोनों मिलके क्यों ठम कर रहे हो? सच सच बता दो मुझे, के मामला आयो? बेटा यो तवीज एक साधु दे गया था सुख शांति के लिए, इसलिए बांध रहे। बेटा इसे चौखट पे बांधने से घर में भूत बुलाई नहीं आती, इसलिए हम इस तवीज को चौखट पे बांध रहे। अरे कुछ नहीं होता इन तवीज गंडों से, ये सब बेफालतू की बात है। ए, तेरी माँ के मुँह में नकली दांत है? अरे जको ही तुझे किसने कह दिया नकली है, सारे असली है। अकीन ना आता हो तो एक बार बुड़का भरवा के देख, तुझे पता लग जाएगा। अरे पिताजी मैं वो ना कह रहा जो तुम कह रहे हो, मैं तो कुछ और कह रहा। है के कह रहा बेरा? तू बिल्कुल ठीक कह रहा, तेरा मामा साले निपट बेरा, उसे बात कहो एशिया की सुने मलेशिया की। मेरा भाई बहरा क्यों होता? बहरे हो तुम, तुमने कर रखा मैं नाक में दम। है बम? अरे कहाँ है बम? अरे कहाँ है बम? अरे दीपक बुलाइए पुलिस को। अरे कहाँ है बम? अरे बता कहाँ है बम, बुला पुलिस को। अरे यार मैंने गलती कर दी दिखे, यू रेडियो एफएम छेड़ गए, अब यू अपना चित्रा सुनाए बिना मेरा पीछा नहीं छोड़ दे, लेकर लो भाई पतड़ी गाड़ी से। अरे तू कहाँ चला? जंगल में जड़ी बूटी लेने जा रहा। के क्या बालकों को गुट्टी पहन जा रहा? अरे यार ये तो ऐसे करते रहोगे, मैं तो चलो अभी नाग मोहिनी से मिलने। जा मुझे पता तो कौन सी बूटी लेने जा रहा जंगल में, जा अब न मिलने की। लो पानी। ये क्या शक्ति थी जिसने मुझे हिलाकर रख दिया? कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं? रागी तू नागिन,
एक तुम्हारे घर की दहलीज पार ना कर पाएगी। जा चली जाओ वापिस जंगलों में। तेरा यू बहू बनकर आने का सपना कभी पूरा ना होन दूं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ माँ जी, आपने ऐसी कौन सी शक्ति से घर को बनवाया है जो मुझे इस घर में अंदर जाने से रोक रही है। अरे उरे को देख, हम बतावेंगे। यू देख तबीज जो हमने अपने घर की चौखट पर बांध रखा है, यो सपेरे महाराज का दिया है तबीज है जो तुझे घर की चौखट के अंदर जाने से रोक रहा है। आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। याद रखना, ये ताबीज या वो सपेरा मुझे मेरे पति से अलग नहीं कर पाएगा। हम दोनों का मिलन होकर रहेगा। जाती क्यों ना तू परे को, चल अपना हिला देख। चलो जी। अरे तू आ गई नागमोहिनी, आ चल भीतर चल, माँ बाप से मिलकर मिन्नत करेंगे, उन्हें मनावेंगे। स्वामी तुम्हारे माँ बाप इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे, और ना मैं अभी तुम्हारे घर में कदम रख सकती हूँ। अरे ऐसा क्यों सोच रही है तू? वो देखो, तुम्हारे माँ बाप ने मुझे अंदर जाने से रोकने के लिए सपेरे से लाकर ये ताबीज यहाँ बांध दिया है। जब तक ये ताबीज यहाँ बंधा है मैं घर में कदम नहीं रख सकती। फिलहाल मैं जा रही हूँ पास के जंगल में। अंगूरी, मैं तो सपेरे महाराज को वही मान रहा था, पर वो तो बहुत पहुंचा है लिगड़ा। और के बाबा के तबीज का चमत्कार है, वो हमारी घर की चौखट पर पैर भी ना रख पाई। इस तबीज को चौखट पर बांध कर तुमने क्या सोचा था कि मेरी पत्नी घर के अंदर ना आवे, या मुझे थारी इस बात का पता ना चले? यू थारी हरकत बढ़िया ना है। शरबत बढ़िया ना बेटे, आजकल शरबत किसी को बढ़िया ना लगता, सब कोल्ड ड्रिंक पीवे, इसमें तेरी कथा ना। बेटे हम जो भी कर रहे हैं तेरे भले के लिए तो कर रहे हैं। अरे तुम्हारी इकलौती औलाद है, और तू भी मारा नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे? कम से कम हमारे बुढ़ापे का तो ख्याल कर। मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, अगर तुम मेरी बहू को अपनाने को राजी हो जाओ तो ना तो मैं इस घर को तके इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। अरे ओ नालायक, जो तेरे जी में आवे वो कर, पर उस नागिन को हम भी अपने घर की बहुत स्वीकार नहीं करने के। बिल्कुल आज से पीछे वो नागिन इस इलाके में दिखाई भी न देगी। हमने तो उस नागिन का जड़ से कलेश काटने का इंतजाम कर लिया, अब तक तो सपेरे महाराज ने उसको पकड़ भी लिया होगा, तू है किस चक्कर में? बेटे तू उस लड़की को सपना समझ के भूल जा, तुझे ब्याह करवाना है ना, हम करवाएंगे तेरा ब्याह किसी सुंदर सी लड़की से। मैं नाग मोहिनी के अलावा किसी की मांग भरने की सोच भी नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ अपनी नागिन को बचाने। लो पकड़ो ये अपना तबीज। देख लिया अंगूरी, यू सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है। यू देख तेरा पूत उस नागिन के चक्कर में हम दोनों को दुत्कार का चला गया। इन बातों को बाद में कर लियो, पहले उसे देख लो कभी महाराज को मार मूर ना देवे। अकेला देखूंगा जाके, तू भी चल मेरी गैल। चलो मामूली सपेरा नहीं है, वरना मेरी इस जहरीली फुंकार से अभी तक तेरा शरीर पानी पानी हो चुका होता। तूने मुझे सही पहचाना, मैं कोई मामूली सपेरा नहीं हूँ, मैं नाग मंत्र का उपासक सपेरा साधुलाल हूँ। मेरी शक्ति असीम है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है सपेरे, आखिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है?
तू मुझसे क्या चाहता है? नागिन, अगर तू धरती पर आजाद रहना चाहती है तो मुझे सिर्फ दो चीज दे दे। कौन सी दो चीज चाहिए तुझे? एक तो तू वैद्य जी के लड़के से मिलन का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, और दूसरा जो मणि तेरे पास है उसे मुझे दे दे। ये दोनों चीज मुझे दे दे और फिर तू धरती पर आजाद घूम। यदि तू मुझे इनकार करेगी तो मैं तेरी नाग मणि भी ले लूंगा और तुझे जलाकर भस्म भी कर दूंगा। बोल क्या बोलती है? प्यार के दुश्मन लालची सपेरे, मैं इतनी भी कमजोर नहीं जो तेरी इन धमकियों से डर जाऊंगी। नाग देवता की सौगंध, ना तो मैं तुझे अपनी नागमणि दूंगी और ना अपने पति को छोड़कर कहीं जाऊंगी। जिद्दी नागिन, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे अपने बस में मुझे करना ही पड़ेगा। जय नागेश्वर। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, अपनी वो नागमणि मुझे दे दे नागिन।
क्यों मुफ्त में अपनी जान गंवाना चाहती है? मैंने तुझे वार्निंग दी थी ना कि अगर तन्ने मेरी नाग मोहिनी की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा, पर तू अपनी हरकत से बाज नहीं आया। आज मैं तुझे धरती में जिंदा गाड़ दूंगा। अरे मूर्ख लड़के, मैंने तुझे इस नागिन से बचाने के लिए तो ये सब किया है और तू मुझे ही दोष दे रहा है। बकवास बंद कर। देवता, मेरे पापों को क्षमा करना, मेरा अंत समय आ गया है। सपेरे, तू बुरा इंसान नहीं था, लेकिन तेरे इस नागमणि को हासिल करने के लालच ने तुझे बुरा इंसान बना दिया। सपेरे, मैं तुझे डसना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने और अपने पति की रक्षा के लिए मैंने तुझे डसा, लेकिन मैं तुझे बचा सकती हूँ, बचा लूंगी मैं तुझे, तू अच्छा इंसान बन जाएगा। हे नागमणि, इसके शरीर में जो मेरा जहर है उसका असर समाप्त कर दे। नागिन, मैं तो तेरा दुश्मन था, फिर तूने मेरी जान क्यों बचाई? सपेरे, तू बुरा इंसान नहीं है, तू अच्छा इंसान है। इस मानवता की भलाई के लिए तेरा जिंदा रहना आवश्यक है, इसलिए मैंने तेरी जान बचाई है। अब कभी लालच मत करना। तूने मेरी जान बचाकर नागिन मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बताइए तेरा एहसान मैं कैसे उतार सकता हूँ, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? सपेरे, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे और मेरे नागेश के मिलन के बीच में कभी कोई अड़चन पैदा मत करना। सपेरे महाराज, इस नागिन की बात तो मैं बताओ, इस नागिन से मेरे बेटे का पीछा छुटाओ। माँ क्या कह रही तू? अरे बेटे, आंखों देखी मक्खी कैसे निगल लूं? बेटे, अगर ये हमारी तरह इंसान होती तो हम इसे अपनी बहू बना लेते, बता एक नागिन को हम अपने घर की बहू कैसे बना ले? सपेरे महाराज, बारी गैल तो सांग हो गया, हमें तो समझ नहीं आ रहा इस समस्या का क्या समाधान करें। इस समस्या का एक समाधान है कि मैं अपनी मांत्रिक शक्ति से इस नागिन को नाग योनि से मुक्ति दिलाकर इसे इंसान बना सकता हूँ। माँ, पिताजी, अगर नाग मोहिनी इंसान बन जा फिर तो तुम इसे बहु स्वीकार कर लोगे ना? यू नागिन से इंसान बन जाएगी हमें कोई ऐतराज ना, मैं ठीक बोल रही? एक छोल रही, अरे क्यों मजाक कर रही दीपक की माँ, तू तो दीपक तक बात करने लग रही, ये कहा छोल रही? ठीक है, मैं इसे नागयोनि से मुक्ति दिलाता हूँ। जय नागेश, जय नागेश्वर।
अब ये नागिन से इंसान रूप में आ गई है, अब तुम अपने बेटे की शादी इससे कर सकते हो। नागमोहिनी, अब तो तू भी मेरे तरह इंसान बन गई, अब हमारे मिलन में कोई अड़चन ना। हाँ नागेश, पर एक बात तो बता, तू इस मणि का क्या करेगी? ये नागमणि नाग देवता की अमानत है, जो पूर्व जन्म में तुम्हें धारण की हुई थी। तुम्हारे बाद से ये आज तक मेरे पास है और आज मैं इसे नाग देवता के पास वापस भेज दूंगी। हे नाग देवता, इसे स्वीकार करें। नाग मोहिनी, चल मैं और पिताजी से आशीर्वाद ले आऊंगे। हे भोलेनाथ, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपने दो प्रेमियों का मिलन करा ही दिया। तेरे मेरे प्यार की है ये दास्तां, मैं तेरी जमीन हूँ तुम।